वेरी गुड इवनिंग। वैसे एक बात है, हकीकत की जिंदगी में जिसको जो किरदार दिया गया है उसको बड़ी शिद्दत के साथ निभाते चलो, क्योंकि कहानी तो हम सबको एक ना एक दिन होना ही है। तो चलिए कुछ आज की कहानी लिखी जाए। वैसे अभी मौसम है क्या, एक बहुत अच्छा फल जो हम सबको, मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगता है, जिसका नाम है मैंगो, यानी कि आम। बहुत सारी वैरायटी के आते हैं और इन्हीं बहुत सारी वैरायटी में से जो वैरायटी आपको अच्छी लगती है उसी में से हम बना सकते हैं क्या मैंगो सालसा। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है और बहुत वेरिएशन के साथ हम इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं और इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। ये मैंने लिया है मैंगो, 1 कप मैंगो है और जितना मैंगो है उतना ही अनियन। और आधा कप मैंने यहाँ पे टमेटोज लिए हैं। तकरीबन जो ग्रीन कोरिएंडर है, वैसे जितना आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, पर इसमें काफी अच्छी क्वांटिटी में लेंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने तकरीबन 1/4 होल मैंने यहाँ पे बारीक कोरिएंडर लिया है। एंड अब इन सब में हम कुछ कुछ सीजनिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ जो इसको फ्लेवर देंगी, इसको टेस्ट देंगी। तो वैसे बहुत दिनों बाद आज लाइव कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ कुछ और चीजों में बिजी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये एक अच्छा जीरा है, ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच, या आप इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच, अगर बहुत अच्छा लगता है तो 1 चम्मच ले सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो 1 चम्मच कच्चा जीरा है जो कि अधकुटा है, और साथ में सॉल्ट, आप जैसा खाते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट सीजनिंग जिसके बिना हर चीज़ अधूरी है। और साथ में रेड चिली पाउडर, तीखा अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा तीखा होता है तो मैंने ये लिया है रेड चिली पाउडर। और ये है नींबू का रस जो कि इसमें जान डाल देगा। आप सोचिए कि कच्चा जीरा, साथ में तीखापन रहेगा, थोड़ा सा नमक हमने इसमें लिया है और इसके अंदर जब नींबू का रस आएगा तो उसका जो टेस्ट है वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। वैसे लगता है कि इसमें नींबू का रस कैसा लगेगा मैंगो के कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन ये सालसा है, यकीन मानिए अच्छा लगेगा। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून तकरीबन आपको नींबू का रस लेना है। तो मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून नींबू का रस, जी हाँ। और ये आम का रस है जिसको मैंने बना रखा था, ये आम का रस पानी के साथ बनाया है मैंने, जैसे कि आम का रस, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आम का रस है। बहुत जल्दी बन जाता है और सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें ज़्यादा अपने को, और ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। आप इसको बहुत आराम से इवनिंग आवर्स में खा सकते हैं, जब भी हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी लगता है कि मैंगो ऐसे नहीं खाना है तो उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट क्रिएट कर दिया। और साथ में अभी समर्स का टाइम है, आप लोग सब अभी घर में हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना हो नहीं रहा है, तो हम लोग आराम से इसको फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स किया। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है नमक कम है तो आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए, नमक आप बढ़ा सकते हैं, लाल मिर्च तीखापन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ग्रीन चिलीज अगर जैसे बच्चे खा रहे हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा, लेकिन अगर बड़े खा रहे हैं तो ग्रीन चिलीज भी अच्छी लगेगी, आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं। सब चीजें हमने अच्छे से मिक्स कर दी, उसके बाद इसमें अब थोड़ा सा 1 चम्मच और ये 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा, इससे क्या थोड़ी सी शाइन आ जाएगी
और अगर हमें थोड़ी देर के लिए इसको रखना भी हुआ, हल्का सा प्रिजर्व भी करना हुआ, तो ये इस जल्दी से खराब नहीं होगा। तो मैंने जस्ट 2 चम्मच इसमें डाला है। अगर आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, बहुत सारे लोग 1 टेबल स्पून तक डाल देते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। मैंने इसमें सिर्फ 2 छोटे चम्मच ऑयल ही यूज किया है, तो आप भी इसमें जरूर से ऑयल यूज कर लीजिएगा अगर बहुत देर तक इसको रखना है, और हल्का सा इसका कलर एनहेंस हो जाएगा और इसको एंजॉय करें। तो इसको आप बहुत सारे वेरिएशन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये नीचे मैंने मैंगो का रस ही लिया है इसमें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे घर में अपन पापड़ सेकते हैं और उसके साथ आप इसको ले सकते हैं, चिप्स होते हैं, मतलब जो नाचोस आते हैं आप वो तो ले ही सकते हैं। और साथ में अगर अपन एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि जैसे घर में जब रोटी बच जाती है तो हल्का सा अपन उसको गैस पे एकदम से करारा कर लीजिए, और पहले आप उसको जिस शेप में कट करना चाहते हैं, पहले आप उस शेप में उसको नाचोस की शेप में कट करना चाहते हैं तो कट पहले कर लीजिएगा, उसके बाद में स्लो फ्लेम पे आप उसको एकदम करारा कर लीजिए, उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेड के साथ कर सकते हैं। तो ये है क्या है जिसको देख के मुझे पानी आ जाता है, गोलगप्पे। तो मैंने गोलगप्पे लिए हैं और मैं समीर अंकल इज सेइंग वेरी नाइस। समीर जी थैंक यू सो मच, आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये मैंने इसको इस तरह से फिल किया है, आप भी इसको ऐसे फिल करें। ऊपर से आप चाहें तो इसमें गार्निश करने के लिए पुदीना लीव्स, फ्रेश मिंट लीव का यूज कर सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, और यकीन मानिए जो इसका टेस्ट है वो ही अपने आप में इतना जान डाल देगा कि प्रेजेंटेशन पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा, जब इसको लोग खाना शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं और खाते ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और रस अगर आपको डालना हो तो जैसे मैंने रस यहाँ पे ग्लास में सर्व किया है, अगर आपको दिख रहा हो तो इस रस को आप इसके अंदर और पोर कर दीजिएगा और इसको आप फिर एंजॉय करिएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब लोगों को कैसी लगी झटपट से बनने वाला मैंगो सालसा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।